और बहनों, CBS की बदौलत मेरे पति ने इतनी दूर रहते हुए भी देखते ही देखते पैसे मुझे भेज दिए, वरना वो वहाँ बेचैन होते रहते और हम यहाँ पैसे के लिए किसी के आगे हाथ फैला रहे होते। तो देखा बहनों, बैंकों का आधुनिकीकरण हमारे जीवन को कितना सरल बना रहा है। राधा बहन, तुम किस सोच में डूबी हो? तुम्हारी भी एक कहानी है ना, जो तुम्हारे इस ATM कार्ड से जुड़ी है? हाँ दीदी, मेरी भी एक कहानी है, पर आपको तो पता है। पर सबको नहीं, और अगर तुम नहीं सुनाओगी तो इस ATM कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी शायद हम में से किसी एक तक नहीं पहुंच पाएगी। बारिश नहीं हो रही थी, पर हवा बड़ी तेज चल रही थी। जिस तूफान के आने की खबर थी, शायद वो आ चुका था। विकास के सर पर गहरी चोट लगी थी। मेरी चीख सुनकर पड़ोस के लोग भागकर मेरी मदद को आ गए थे। राधा बहन, इस तूफान में किसी ने तुम्हारी आवाज सुनी? तूफान जैसे सिर्फ मेरे लिए ही आया था, जैसे आया वैसे ही जाने कहाँ चला गया। चलो फिर तो तुम्हारी मदद के लिए लोग आ ही गए होंगे, बड़ी विपदा टल गई होगी। मदद के लिए लोग तो आ गए, पर विपदा नहीं टली। घाव थोड़ा गहरा है, टाके लगाने के बाद मरीज को मैं अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहता हूँ, एडमिट करना पड़ेगा। आप प्लीज रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, देर करना ठीक नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, आप देरी ना करें, मैं अभी करवा के आती हूँ। राधा रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। सरला दीदी, हमारे पास इतने पैसे इस समय तो नहीं है, जल्दी चलो बैंक से निकालने पड़ेंगे। शुक्र है बैंक यहाँ से दूर नहीं है। अब राधा, शाम हो चुकी है, बैंक बंद हुए कम से कम एक घंटा हो गया है। दीदी फिर मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो दीदी, मुझे 5,000 कल तक के लिए दे दो, सुबह बैंक खुलते ही लौटा दूंगी। कल सुबह तक बैंक खुलने का इंतजार क्यों करना? तुम बैंक के मुख्य द्वार के पास स्थित ATM से रुपए अभी निकाल सकती हो। लेकिन दीदी। लेकिन क्या, तुम्हारा बैंक में खाता है और तुम्हें ATM कार्ड भी मिला होगा। हाँ दीदी, मिला तो है, और हमने विकास की मदद से एक दो बार रुपए निकाले भी हैं, पर मैंने कभी व्यवहार नहीं किया, डर लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए। राधा अभी तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है, पर तुम्हें वचन देना होगा कि तुम ATM व्यवहार करना सीखोगी और नई तकनीक को अपनाने से कभी नहीं कतराओगी। घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ डॉक्टर साहब। जब तक होश में ना आ जाए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और वो अब एकदम ठीक है, आप उसे आराम करने दें। डॉक्टर साहब। राधा सब ठीक है, हमें डॉक्टर साहब की बात सुननी चाहिए, हम इंतजार करेंगे डॉक्टर साहब। मैं यहाँ राधा के साथ हूँ, आप लोग घर लौट जाएं, देर हो गई है। दीदी ठीक कह रही हैं, सुबह मैं खबर दूंगी, देर हो रही है, मौसम का भी कोई ठीक नहीं, पर मेरे विकास को बचाने के लिए मैं हृदय से आप सबकी आभारी हूँ। बेटी आभार कैसा, हम सब एक परिवार ही तो है, एक दूसरे के काम ना आए तो सब बेकार ही है ना? अरे बहन, विकास हम सबका बच्चा है, चलो हम कल सुबह फिर आ जाएंगे। दीदी मैं अपना वचन पूरा करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे ATM कार्ड के उपयोग करने की विधि समझाएंगी? अभी? हाँ अभी, विकास अब सक्षम हाथों में है और ये हमें अभी मिलने भी नहीं देंगे, मतलब कल सुबह तक हमारे पास समय ही समय है।
राधा, ये है एटीएम। राधा, इसे कहते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के मिलते ही यहाँ पर अपना दस्तखत यानी हस्ताक्षर करना चाहिए। ये कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ मिलने वाले एटीएम पिन को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। इस कार्ड और इसके पिन के द्वारा हम एटीएम मशीन, पीओएस या माइक्रो एटीएम की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। आओ अब समझते हैं एटीएम कार्ड का उपयोग कैसे किया जाता है। ये है एटीएम मशीन, ये है एटीएम स्क्रीन और ये है कीपैड। इसे कहते हैं कार्ड स्लॉट। यहाँ कार्ड को डालकर खींचना होता है यानी कि स्वाइप करना होता है, या फिर अगर मशीन दूसरी तरह की हो तो यहाँ से कार्ड अंदर चला जाता है और चुनी गई सेवा की प्रक्रिया पूरी होने पर ही बाहर निकलता है। ये कैश डिस्पेंसर है, यहाँ से नगद निकलता है। और ये है रिसिप्ट जनरेटर, यहाँ से लेन देन की रसीद बाहर आती है। आपको इतना सब कैसे पता दीदी? मैं जिस स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ वहाँ हमें इसकी जानकारी दी जाती है और प्रशिक्षण भी मिलता है, और हम ज्ञान के प्रकाश को जितनी दूर हो सके लेके जाते हैं। आओ अब तुम्हें बताऊं रुपए निकालने की विधि। एटीएम कार्ड को यहाँ इस खांचे में डालते हैं। हमेशा याद रखना, एटीएम कार्ड का अगला हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए। कार्ड के अंदर जाते ही तुम्हारा नाम इस स्क्रीन पर दिखेगा और मशीन तुमसे तुम्हारा पिन नंबर मांगेगी। पिन नंबर डालते ही एटीएम मशीन तुम्हें रुपए निकालने के साथ अन्य कुछ विकल्प भी देगी और तुम अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से एक विकल्प चुन सकती हो। चलो हम चुनते हैं कैश विड्रॉवल यानी कि नगद निकासी। इसके चुनते ही मशीन तुम्हें विभिन्न प्रकार के बैंक खातों के विकल्प देगी, जैसे कि चालू खाता, बचत खाता या फिर KCC। अब क्योंकि तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट यानी कि बचत खाता है तो हम इन विकल्पों में से इसे चुनेंगे। इसके बाद जितनी राशि निकालना चाहते हैं वो टाइप करेंगे। कितना? ओ अच्छा, 5000 दीदी, 5000 निकालना है। मशीन तुम्हें इस लेन देन की रसीद के लिए यस यानी हाँ और नो यानी नहीं के विकल्प देगी। अभी के लिए हम यस यानी हाँ चुनते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही मशीन से सबसे पहले नगद की निकासी होगी, इसके बाद लेन देन की रसीद बाहर आएगी और फिर एटीएम कार्ड बाहर आएगा। दो बातों का ध्यान अवश्य रखना, रुपयों के निकलते ही उन्हें गिनना जरूर और कार्ड के बाहर आ जाने के बाद उसे लेना ना भूलना। देखा कितना आसान है एटीएम से रुपए निकालना? तुम किसी भी पास के एटीएम पे जाकर रुपए निकाल सकती हो। हाँ दीदी, ये लो दीदी, आपने समय पर बहुत बड़ी मदद की। अरे ये क्या, बाद में दे देना, अभी तो जरूरत पड़ सकती है ना तुम्हें। तो फिर निकाल लूंगी मैं एटीएम से। दीदी, गांव में कई बार लोगों से सुना है कि एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाता है या फिर रुपए नहीं निकलने पर भी मशीन लेन देन की प्रक्रिया पूरी होने का संदेश दे देती है। ऐसा होता है, पर जब भी ऐसा हो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो अगर तुम्हारा कार्ड मशीन में फंस जाए, गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए तो घबराना नहीं, अपने बैंक की निकटतम शाखा में संपर्क कर अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक यानी निष्क्रिय करवा देना और बाद में नए कार्ड के लिए आवेदन कर देना। ऐसी किसी भी आवश्यकता के लिए एटीएम सेंटर्स यानी केंद्रों पर दिए गए निशुल्क नंबरों पर भी बैंक से संपर्क किया जा सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखना, ये तुम्हें कई परेशानियों से बचा सकती हैं। फिर तो जरूर बताओ दीदी। कभी भी एटीएम कार्ड किसी को देना नहीं और एटीएम पिन किसी को बताना नहीं।
वो चाहे तुम्हारे घर का कोई सदस्य हो या कोई परिचित। एटीएम मशीन का उपयोग करते समय किसी अपरिचित से कोई मदद नहीं लेना। अपने मोबाइल नंबर को बैंक में पंजीकृत करवा लो, जिससे समय समय पर तुम्हारे बैंक खाते से संबंधित नई नई जानकारियाँ तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हें मिल सके। मैं जरूर ध्यान रखूंगी दीदी। राधा भाभी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप ले आइए, यही अस्पताल के बाहर ही है दुकान। विकास, वो ठीक है लेकिन तुम कल सुबह ही मिल सकती हो। चलो राधा, दवा ले आए। दीदी मैं लेकर आती हूँ, आप थोड़ा आराम कर लो, थक गई होंगी। और ये रही आपकी दवाइयाँ। कितने हुए भैया? हो गए आपके 800 रुपए। भैया मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं। तुम थोड़ा ठहरो, मैं अभी एटीएम से निकाल कर लाती हूँ। एटीएम जा रही हो? मतलब तुम्हारे पास एटीएम कार्ड है? हाँ भैया। फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मतलब? मेरे पास POS डिवाइस है, यानी विक्री केंद्र उपकरण। तुम अपना एटीएम कार्ड इसमें स्वाइप कर यानी चला कर इन दवाइयों का भुगतान कर सकती हो। अच्छा, हाँ सरला दीदी भी कुछ ऐसा ही बोल रही थी। भाभी अपना एटीएम पिन नंबर टाइप करो। मैं बताती हूँ, आप ही टाइप कर दो भैया। नहीं भाभी, मुझे मत बताओ। हमेशा याद रहे कि सिर्फ एटीएम कार्ड धारक ही अपने कार्ड के लिए एटीएम पिन डाल सकता है, और ये एटीएम पिन किसी को नहीं बताना चाहिए, ना तो दुकानदार जिसके पास POS उपकरण है और ना ही किसी और को। लो भाभी अपना एटीएम पिन टाइप करो। भाभी आपका भुगतान हो गया है, ये लीजिए रसीद। इतनी दवाइयाँ, रुपए कम तो नहीं पड़े? हाँ पड़े, लेकिन फिर भी मैंने दे दिए। एटीएम कार्ड से POS मशीन के माध्यम से भुगतान किया? हाँ। एटीएम कार्ड ने हमारे जीवन को सरल बना दिया है। अब कोई बड़ी नकद राशि लेके चलने की जरूरत ही नहीं। आधुनिकीकरण हमें लाभ पहुंचाता है, हमें इससे डरना नहीं चाहिए, इसे अपना लेना चाहिए।